अंधेर नगरी चौपट राजा, और जे इनका शराबबंदी क्या है, इनके जो पूर्व विधानसभा सदस्य थे श्याम बहादुर जी, उन्होंने कह दिया पियक्कर सम्मेलन करने जा रहे हैं। यदि माननीय नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा मर गई है तब तो कुछ कह नहीं सकते हैं। यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना है तो पहले तो उस बयान देने वाले पूर्व विधायक श्याम बिहारी को अरेस्ट करवावे और बिहार में सरकारी दुकान खुलवावे शराब की, ताकि लोगों की मृत्यु ना हो। नहीं तो जितने भी लोग मर रहे हैं उनकी बददुआ तो लगेगी इन पे हत्या का मुकदमा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास। एक सवाल, बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है नालंदा में, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक ही बात कहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, और जे इनका शराबबंदी क्या है, इनके जो पूर्व विधानसभा सदस्य थे श्याम बहादुर जी, उन्होंने कह दिया पियक्कर सम्मेलन करने जा रहे हैं। यदि माननीय नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा मर गई है तब तो कुछ कह नहीं सकते हैं। यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना है तो पहले तो उस बयान देने वाले पूर्व विधायक श्याम बिहारी को अरेस्ट करवावे और बिहार में सरकारी दुकान खुलवावे शराब की, ताकि लोगों की मृत्यु ना हो। नहीं तो जितने भी लोग मर रहे हैं उनकी बददुआ तो लगेगी इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मैडम, आप कह रहे हैं सरकारी दुकान खुलवाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं जब तक हम हैं तो शराबबंदी लागू ही रहेगी, तो इन पे हत्या का मुकदमा चलेगा। जब जन आंदोलन होगा तब ठंडा हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है एनडीए में, भाई अब उनका वो लोग जाने, चोर सिपाही का खेल खेल रहे, उसमें हमको क्या कहना है। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा दास। बिहार में जिस तरीके से लगातार शराब को लेकर, जिस तरीके से जहरीली शराब से नालंदा में लोगों की मौत हुई है, साथ ही साथ वह जिस तरीके से बीते दिन छपरा से निकलकर आई सामने वीडियो, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 5 लोगों की मौत वहां हुई है, और लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की विधायिका थी, आपने सुना है कि उनका कहना है कि बिहार में सरकारी दुकान शराब की खुलनी चाहिए, इनकी मांग है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये मांग किया है कि बिहार में नीतीश कुमार को सरकारी दुकान शराब की खुलवानी चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार में जो हत्याएं हो रही है, नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक हम हैं बिहार में तब तक शराबबंदी लागू रहेगी। तो इनका कहना है कि अब नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा चलेगा, जब जन आंदोलन होगा तो उस वक्त नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा चलेगा। ये कांग्रेस के विधायिका का कहना है। इन्होंने बड़ी बात कही है कि बिहार में सरकारी दुकान खुलवाएं नीतीश कुमार, और अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार का कहना है कि हम शराब नहीं खोलेंगे तो जब जन आंदोलन होगा तो उन पर हत्या का मुकदमा चलेगा। ये बात कांग्रेस की विधायिका ने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में एनडीए की बात करें तो बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी जिस तरीके से लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी का जवाब उनको दिया गया, बीजेपी ने कह दिया है कि उनको जहां जाना है जाएं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तमाम सवाल, ये तमाम जो लगातार बिहार में राजनीति चल रही है, यूपी चुनाव है और यूपी चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ सीटों की मांग है और ये तमाम जो बातें हैं वो बिहार में हो रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की विधायिका ने यह मांग कर दिया है कि बिहार में सरकारी शराब की दुकान खोलनी चाहिए। भाई देखिए, हमको बस यही कहना है, अंधेर नगरी या चौपट राजा, ये लोग सत्ता में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम अपना टीआरपी कैसे बढ़ाएं, हम सरकार में कैसे बने रहे, सत्ता सेवा है। लेकिन इन लोग का बयान सुनिएगा, कहेंगे सत्ता मलाई खाने के लिए, ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं, इनके बयान का हम कोई नोटिस नहीं लेंगे। जिस तरह से छपरा में शराब से 13 लोगों की मौत की बात आ रही है, पहले तो जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि शराबबंदी के नाम पे कितने लोगों की बलि चढ़ाएंगे। आपको यदि राजा जो होता है अपने प्रजा के हित में कोई कानून बनाता है, ना कि उसको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपना मगरूरियत में कानून बनाता है। अभी एकदम बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं धनानंद के पैटर्न पे चल रहे हैं, जनता जाए भाड़ में, कानून हम वही बनाएंगे जो मेरा मन करेगा। जबकि इनके विपक्ष, इनके सहयोगी दल ने भी आवाज़ उठाई है, इनके गृह जिले में इतने सारे लोग मर गए, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि क्यों लोग मरे, कैसे मरे, क्या कार्रवाई होगी। हम तो लगातार पिछले शीतकालीन सत्र में भी हमने कहा कि शराब खुलवाइए, लाइसेंसी दुकान दीजिए, ताकि लोगों की इस तरह से मृत्यु नहीं हो। क्या हम तो यही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर हत्या का केस चलना चाहिए।
कानून समाज को सुधारने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता नहीं है। समाज के लोगों के बीच में बैठ करके समाज के हित में क्या उचित हो सकता है उसके लिए कानून बनाया जाता है, ना कि समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए कानून बनाया जाता है। एक तरफ जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ उनके पूर्व विधायक कहते हैं पियकर सम्मेलन करेंगे। भाई तो देखिए, जब से शराबबंदी हुई है इनके नेताओं के यहाँ पता कर लीजिए, ये लोग करोड़पति अरबपति हो गए। आखिर कोई दलित महिला, पिछड़ी महिला, आदिवासी महिला जो माननीय सदस्य है वो सिर्फ ये उठाती है कि भाई हमारे आदिवासी समाज के लोग महुआ चुआते हैं, उनका जीवन यापन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो आप भरी महफिल में, विधायक दल की बैठक में आप उनको अपमानित करते हैं, एक महिला पर असभ्य टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, और इस आदमी के लिए जो आपके पार्टी का पूर्व विधायक रहा है खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हम पियक्कर सम्मेलन करेंगे, उसमें तरह तरह के शराब परोसे जाएंगे, देखा जाएगा कि कौन कौन लोग किस तरह का शराब पीते हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, सिर्फ शराब पे ही नहीं, उन्होंने महिलाओं पे भी गंदी टिप्पणी की है। तो ये ऐसे ही लोग जो शेल्टर होम जैसे कांड करते हैं, शराब पे टिप्पणी करते हैं, महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं।